हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है तस्खीर और इस वीडियो के अंदर मैं रिएक्ट करने वाला हूँ पाकिस्तान का। हमने देखा था, अभी एक वीडियो मैंने किया था कॉमनवेल्थ गेम जैसे कि चल रहे हैं और इंडिया के पास बहुत सारे मेडल आ चुके हैं, तो ये बोला जा रहा था, ये सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तान के को मेडल नहीं लग रहे हैं, मतलब गोल्ड मेडल नहीं लग रहे हैं, लेकिन गोल्ड मेडल पाकिस्तान के पास भी गए हैं। दो देख चुका हूँ मैं, पहला लाए थे एक रेसलर नहीं वेट लिफ्टर थे, तो वेट लिफ्टिंग में गया था पहला गोल्ड, दूसरा अब जेवलिन थ्रो में लेकर गए हैं, अरशद नदीम करकर नाम है उनका। तो इसी से रिलेटेड वीडियो मैं देखने वाला हूं, ये स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। वर्ल्ड चैंपियन देखिए, वर्ल्ड चैंपियन भी वहां पर 90 नहीं हिट कर पाए और अभी नीरज ने भी 90 हिट करना, तो मतलब चलिए ये वही है कि स्पोर्ट्समैन वाली बात है जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है। सामने क्रम, अपनी गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह भारत के सोशल मीडिया पर इस वक्त पाकिस्तानी शेयर और एथलीट अरशद नदीम टॉप ट्रेंड पर हैं, किस तरह भारतीय खुशी का इजहार कर रहे हैं कि अरशद नदीम ने जिस तरह रिकॉर्ड ब्रेकिंग थ्रो की एशिया में एक रिकॉर्ड बना डाला, वो भारत के लिए भी फखर का मकाम है क्योंकि भारत भी जनूबी एशिया में ही आता है। यानी हर तरफ से अरशद नदीम को इस वक्त मुबारकबादें मौसूल हो रही हैं और ये बिलाशुबा पाकिस्तान के लिए बड़ी जबरदस्त खबर है कि इस सियासी घुटन जैसे माहौल में पाकिस्तान को अल्लाह की तरफ से ऐसी खुशी की खबर मिली कि हर एक पाकिस्तानी, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से क्यों ना हो, एक मुद्दे पर यूनाइटेड तो हुआ है और वो है अरशद नदीम की जबरदस्त थ्रो और गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए जीतना। आपको बताते चलें कि जिस वक्त अरशद नदीम थ्रो कर रहे थे उनके साथ 8 जो एथलीट मुकाबले में थे उनमें 2 भारत के भी थे। वो दोनों भारतीय एथलीट मेडल तो ना जीत सके लेकिन भारत के पूरे मीडिया और कौम की नजरें टीवी स्क्रीन पर जमी थी और रात गए तक भारत का मीडिया उसे रिपोर्ट करता रहा। फिर जैसे ही अरशद नदीम ने एक जबरदस्त किस्म की थ्रो की जिसने 90 मीटर क्रॉस किया, तो भारत के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो कि लाइव ये सारे मनाजर देख रहे थे वो भी बिला अख्तियार अरशद नदीम के लिए तालियां बजाना शुरू हो गए। आगे चलकर आपको ये सब कुछ दिखाएंगे कि किस तरह भारत का मीडिया अपनी पूरी कौम को ये सारे मनाजर लाइव दिखा रहा था और जब अरशद नदीम ने वो जबरदस्त थ्रो की और गोल्ड मेडल जीता तो उस पर भारतीय मीडिया और एंकर्स का क्या रिएक्शन था। उनके पास अरशद नदीम की ये इंफॉर्मेशन भी थी कि अरशद नदीम के घुटने और कंधे में शदीद किस्म की तकलीफ है और वो इंजरी का शिकार है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा जो बिलाशुबा पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है और भारतीय पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबादें देते रहे। आइए आपको दिखाते हैं कि भारतीय मीडिया का गोल्ड मेडल जीतने पर क्या रिएक्शन था और किस तरह हर तरफ अब पाकिस्तान ही पाकिस्तान हो रहा है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। तो इसको देखते भी बहुत सारे डायनेमिक्स एकदम से चेंज हो जाते हैं। देखिए जो 90 फेंकना कोई जरूरी नहीं कि अगले में भी उतना 90, बिल्कुल 84 पे आ जाते हैं। अरशद ने आपको सरप्राइज नहीं कर दिया। हां, अरशद का उस दिन कितना था थ्रो, वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं था उस तरीके से। आज देखिए, आज उन्होंने ऐसी, जिसे कह सकते हैं आपके एक तरीके से सुपर ह्यूमन परफॉर्मेंस आ गई। अगर उनको ये बताया जा रहा, मेरे को उतना नहीं पता, बट उनको इंजरी की बात आ गई, शोल्डर में दिक्कत है। उस इंजरी के बाद से भी अरशद को भी लोग जितना, जिसे इनकी पहचान हुई नीरज चोपड़ा की, कहने की उनकी भी लोग उम्मीद करेंगे कल हमारे पास 2-3 गोल्ड थे, लेकिन वहां पर जो है जो हम बात कर रहे थे, अरशद नदीम ने गोल्ड आया 90.18 के थ्रो के साथ, उनका फिफ्थ अटेम्प्ट जो हमने देखा भी था यहाँ पर, उन्होंने और बेटर कर दिया उससे, उस उतना ही रहा है 90.1 बन गया है। और साथ साथ ये भी आ रहा है कि बता रहे हैं कि उनकी माइक अपना चेक कर लीजिए, उनकी शायद शोल्डर में भी दिक्कत थी, उसके बावजूद भी उन्होंने मतलब जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से इनका गोल्ड आता, तो मैं थिंक दो लोग जिन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया, एक तो वो जो पावर लिफ्टर, मतलब वेट लिफ्टर, वेट लिफ्टर भाई जान जो भी थे, बट थे उन्होंने तो भाई अलग ही, बट ये आई थिंक उनकी, आई थिंक जो उनकी स्पोर्टिंग हिस्ट्री है उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ट्रैक एंड फील्ड में, आई थिंक पिछली बार जब धीरज भाई आए था, इनका ओलंपिक्स में जब भी आए थे, तो जो इनके दिखाए जाते वीडियोज कुछ थे कि अपने आप ट्रेन कर रहे थे जिम में जाकर, अपने आप देसी स्टाइल से प्रैक्टिस नहीं मिल पाई वहां पर इस तरीके की, मतलब एक ग्राउंड था, उस ग्राउंड की हालत भी ऐसी थी, ज्यादा अच्छा नहीं था। देख दो उसकी वीडियो, मतलब वो एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पे चल रखा था, उसमें दिखा रहे थे वीडियो, उतना नहीं जानते, या हम जाम्बिया के खिलाड़ी को उतना नहीं जानते कि उनके यहां, क्योंकि सुना है उनके यहां भी कम होगी, बट
पाकिस्तान का चूंकि हमें थोड़ा बहुत पता होता है कि यार वहाँ की फैसिलिटीज कैसी है, जैसे हमारे यहाँ ही होता है आईएएस के पास हमने डॉग घुमाने का टाइम है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे खिलाड़ी स्ट्रगल करते तो ये हमारे यहाँ और उनको उसके बाद थोड़ी सुविधाएं मिली, थोड़ी कोचिंग मिली तो बेहतर भी है। और आज कितना बेटर करते जा रहे हैं, और वो देखने की वही पर एंडरसन पीटर्स भी थे जिनके हम लगातार जो अभी एक अभी वो भी थे ना जो हमारे इनका मुकाबला चल रहा था नीरज चोपड़ा का, जिन्होंने वहां पर टॉप किया था, वो भी यहां पर वही तो एंडरसन पीटर्स वर्ल्ड चैंपियन भी वहां पर 90 नहीं हिट कर पाए और अभी नीरज ने भी 90 हिट करना, तो मतलब चलिए ये हो जाएगी स्पोर्ट्समैन वाली बात है जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि आई थिंक उनकी बहुत बड़ा मोमेंट है कि आप वहां पर गेम्स रिकॉर्ड करके एथलेटिक्स में उस तरीके से परफॉर्मेंस। नीरज चोपड़ा ने कितनी अच्छी बात बोली थी उन्होंने अभी जब गेम चालू होने से पहले कि मैं तो खुद चाहता था नीरज फिट होते और नीरज इस गेम ये उनका दिखा रहे हैं जो रेस वॉक में था। ये वैसी वाली बात है कि आप एक किसी जैसे रनिंग का इवेंट है कोई, आप किसी को जूते पहना के दौड़ रहे हो कोई, वो कोई बोले भैया मैं ऐसे ही नंगे पैर दौड़ जाऊंगा क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ, और मैंने कहा हमेशा ऐसे उनकी स्टोरी इसी तरीके से शुरू हुई थी कुछ, और आज मतलब जबरदस्त परफॉर्मेंस है भारत की तरफ से जो है फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन, डीपी मनु फिफ्थ पोजीशन पर 82.28 और रोहित यादव 82.22 का थ्रो रहा, तो टॉप थ्री में थर्ड जो थ्रो था बेस्ट वो था 85.70, उसके बाद हालांकि थ्रो जो थे वॉलकॉट का 82. टाइम सा हो गया, इन्हें भी थोड़ा बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये थोड़ा किसी और मेहनत करेगा ठीक है वो कर लेगा। वैसे हम कहते हैं कि उसमें भी जो जिस तरीके वो खेल है अलग अलग वो रहता है कि मतलब ऐसा नहीं रहता कि आप सोचो आज उठ के कि 2 मीटर में अब लंबी मारूं। इमोशनल भी थे शायद उनके कोच थे या फादर थे जिनसे भी वो गले मिलकर लग रहा था कि इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं, सो वो एक प्राउड मोमेंट था झंडा लेकर पूरे ग्राउंड के मतलब पब्लिक के आसपास जो लास्ट लाइन होती है वो उसके आसपास चक्कर लगाना, तो एक प्राउड मूवमेंट है, बहुत तगड़ी मूवमेंट है। गोल्ड लगना 90 मीटर के ऊपर जाना बहुत बड़ी बात है, ऊपर से मुझे नहीं पता था, मुझे ये पता था कि एक हेल्दी बंदा है उसने ये थ्रो मारकर गोल्ड जीत लिया है पाकिस्तान का बंदा, लेकिन उनके इंजरी थी भाई, इंजरी थी बैक में या फिर शोल्डर में बता रहे थे, तो अभी पता चला मुझे यार इंजरी के बावजूद इतना लंबा फेंक सकता है, रिकॉर्ड तोड़ सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है, मतलब जिससे होना होगा ना वो इंजरी हो कुछ भी हो वो रिकॉर्ड बना लेगा, तो वैसा ही कुछ हुआ है। अच्छी बात है कि जीता, और उसके बाद हमने इंडियन मीडिया का रिएक्शन भी देखा इसके अंदर, सो आपने भी देखा मैंने भी देखा, इंडियन मीडिया में भी तारीफ़ें हो रही हैं, सबने लाइव देखा था रात, मैं नहीं देख रहा था लेकिन हाँ मुझे पता चला सुबह कि भाई गोल्ड ले गया, भाई गोल्ड पाकिस्तानी बंदा गोल्ड ले गया, तो पाकिस्तान के लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है, एशिया के लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है, सबने शाबाशी दी है और सबने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला है, बोलने की तो नहीं पता लेकिन मैं बोलता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इंडिया काफ़ी ज़्यादा गोल्ड ला रहा था कॉमनवेल्थ में इस साल, सो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, मैं वीडियो आ रही थी मेरे सामने कि यार पाकिस्तान क्यों नहीं ला रहा, इंडिया कैसे ला रहा है, इंडिया पे गोल्ड की गोल्ड मेडल की बारिश कैसे हो रही है, ऐसे वीडियोस मेरे सामने आ रहे थे, सो ये लीजिए दूसरा गोल्ड पाकिस्तान का भी लग गया। और ट्रेनिंग की बात की तो कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी पहले, और नहीं मिलती हैं भाई फैसिलिटीज़ मिल जाए ऐसे बंदों को जो अभी भी गोल्ड ला रहे हैं बिना फैसिलिटी के, तो ऐसे लोगों को अगर फैसिलिटी मिल जाए, कोचिंग मिल जाए और उनको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए तो वो तो और अच्छा कर सकते हैं, पोटेंशियल है उनके अंदर लेकिन पास उसको निखारने की ज़रूरत होती है। तो बढ़िया मूवमेंट, बढ़िया चीज़ हमने इसके अंदर देखी, कि क्या कहना चाहते हो इस बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग।